ना किस मटेरियल या कुछ और, मगर नुकसान हुआ सिर्फ रिहायशियों का। नॉर्थ कराची 2 मिनट चौरंगी के करीब अब्दुल्ला कॉम्प्लेक्स के 4 फ्लैट की बालकोनियां खस्ता हाली के बायस गिर गईं, जिसके नतीजे में किसी किस्म का जानी नुकसान तो ना हुआ, अलबत्ता लोगों के सामान को नुकसान जरूर पहुंचा। वाकये के बाद 4 फ्लैट को खाली करवा लिया गया। रिहायशियों का बिल्डिंग का कब्जा 1997 में दिया गया था। रिहायशियों का कहना है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से 1 साल कबल बिल्डिंग की खस्ता हाली का नोटिस मिला था, जिसकी ना रिहायशियों ने परवाह की, ना सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इमारत खाली करवाई। मगर नुकसान के बाद मुतासरीन बिल्डर शाहिद अब्दुल्ला पर बरस पड़े। जमाने में उन्होंने देखा नहीं कि 2 सूत का सरिया और 4 मंजिला बिल्डिंग तामीर हो रही है, तो इसलिए ये नुकसानदेह, बहुत ज्यादा नुकसानदेह। अगर आप अंदर का और जाके आप थोड़ा सा जायजा लेंगी ना, तो आपको ये पता चलेगा कि ये तो रिहायश के काबिल ही नहीं है बिल्डिंग। बालकोनी का गिरा हुआ मलबा इसकी खस्ता हाली और वक्त से पहले इसके मखदूश होने की दुहाइयां दे रहा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को चाहिए कि इस इमारत को मखदूश करार देकर खाली करवाया जाए, ताकि किसी भी किस्म की जानी व माली नुकसान से बचा जा सके। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ रबिया खान, 24 न्यूज़, कराची।